हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। होली नज़दीक आ रही है, स्पेशल क्या बनाए अपने मेहमानों के लिए, तो मैं वो डिश आपके लिए लाई हूँ जो बहुत ही नॉर्मल है, ना समोसा है ना टिक्की है, एकदम यूनिक चीज़ है। स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 3 आलू बड़े लिए हैं, बारीक कटा हुआ प्याज, उबली हुई मटर है जो सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद है बारीक कटा हुआ धनिया। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आलू का आपने कद्दूकस करना है। आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले प्याज, ऐड करेंगे हरी मटर, करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा यूज करेंगे क्योंकि इसका यूज हमें बाद में करना है। और चम्मच है तो इससे हम आधा चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें। इसी से मैं इसमें 3 चम्मच रेड क्रम्प डालूंगी। इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिए। इसको आपने मिक्स करना है, एक डो जैसा तैयार कर लेना है आपको। देखिए एक डो जैसा तैयार हो गया है, इसको हम आप साइड रखते हैं। ये मैं बेसन ले रही हूँ, ये एक कटोरी के समथिंग है। आप आटा भी ले सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया, इसका घोल बनाना है, ज्यादा पतला नहीं बनाना है, इसलिए धीरे धीरे करके आप पानी डालिए। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सफेद तिल, जो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, इसे आप मिला दीजिए और 5 से 6 मिनट तक इसको ढक के रख दीजिए। ये चीज है जो मैंने कद्दूकस किया हुआ है, छोटी छोटी एक समान बॉल्स बनाएंगे और इसको हल्की रोटी ऐसी बना के इसके अंदर हम चीज भरेंगे। मैंने भर ली है, अब इसकी हम बॉल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने बॉल बना ली है। अब इन बॉल्स को आपने जो बनाया हुआ बैटर है उसमें डालना है, मैं आपने इसमें डालना है। इसको आपने तलना है, ये अपने गोल्डन ब्राउन तक आपने चारों तरफ से इसे फ्राई करना है। हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हरा धनिया है, लाल मिर्च है, आप हरी भी ले सकते हैं, लहसुन की कलियां हैं 5 से 6 और 1 छोटा टमाटर। साथ में नमक और जीरे का इस्तेमाल करें। ये देखिए चटनी बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स बनके तैयार हो गए हैं, ना ये समोसा है ना ये कचौरी है, एकदम यूनिक चीज है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रेड बटन को दबाना ना भूलें।